ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं वॉइस एक्टर नैटी और आप देख रहे हैं एक्टर्स एंड वॉइस एक्टर डबिंग टिप शो। जो लोग डबिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। एज यूजुअल डबिंग के ही बारे में बातें करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं कि वीडियो बनाते वक्त बहुत सारे मिस्टेक्स, फंबल, हेजिटेशन, प्रोनंसिएशंस, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, डायलॉग को, शब्दों को ठीक तरीके से नहीं बोल पाना, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। और दूसरी एक और बात कि डब करते वक्त या वॉइस ओवर करते वक्त तो रीटेक हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाते वक्त रीटेक होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जो भी मेरे अंदर से निकलता है वो मैं सोचकर वीडियो बनाता हूँ। एवरी कॉन्टेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ मेरे लिए एक कंटेंट ही नहीं है, मेरे लिए एक मिट्टी के अंदर बीज डालना है और मैं इंतज़ार करता हूँ उस पेड़ के बड़े होने का। तब तक उस कंटेंट के शब्दों को, उस कंटेंट के मीनिंग को ग्रो होता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दोस्तों कि काफ़ी लोग कमेंट्स डालते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों का भी जो लोग डिसलाइक करते हैं और उन लोगों का भी जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग बुरे कमेंट्स भी डालते हैं। लेकिन ये मेरे लिए एक शस्त्र है, मेरे लिए एक रामबाण है, मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स है कि मैं अच्छे और बुरे कंटेंट, अच्छे और बुरे मैसेजेस दोनों को ज्वाइन कर फिगर करके देखूं कि मैं अपने प्रोनंसिएशन पे, अपने मिस्टेक्स पे, अपने वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन पे, अपने कंटेंट पे और कितनी अच्छी तरह काम करूं। आज का मैसेज यही है दोस्तों कि मुंबई एक ऐसा हब है कि अगर आप मुंबई के बाहर से आए हुए हो और अगर आपको डबिंग में काम नहीं मिल रहा है, तो मुंबई में काम नहीं मिला तो क्या मिला दोस्तों? मुंबई में जिन लोगों को मुंबई का पानी राज आ जाता है, जो लोग मुंबई को अपना घर बना लेते हैं, वो लोग मुंबई से प्यार करते हैं दोस्तों। और हमेशा कहता हूं कि जितने पान की दुकान नहीं है उतने ज्यादा स्टूडियोज आपको घर घर में मिलेंगे। तो कीप गोइंग फॉर ऑडिशंस, कीप सेंडिंग योर वॉइस सैंपल, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ हम हैं, आपके साथ खुदा है, आपके साथ वॉइस कम्युनिटी है। गॉड ब्लेस। जय हिंद। सॉरी। सो ही कैन इजीली नोट डाउन हिज प्लान्स इन इट। ओके, लेते हैं। ओके ओके भाई। मे बी ही विल मेक मोर प्लान्स विद अस एंड वी विल मीट मोर ऑफन।